पश्तों में कहते हैं चशम है। hmm. मर्दों के सामने क्यों बोला ये मैं जमहूरियत की बात hmm. कर रही हूँ आपको ठीक मेरे अबू मेरे साथ खड़े ना होते रिश्तेदार कहते थे बहुत अजीब सा वर्ड वो यूज करते थे किसी ने हमारी तरफ देखा भी नहीं कि ये जो लड़कियाँ हुई हैं जीन्स पैंट पहन के बाल खोल के, के और ये हम की तरफ देखे या कुछ भी नहीं तो मेरे से लेकर अच्छा मैंने कहा उसकी नस्बत काबुल में फिर ऐसा नहीं था मैं पहली होस्ट थी जिसने दुपट्टा सर पे नहीं था मैं शलवार कमीज कुर्ता पहन के जींस के साथ जिस तरह मेरा स्टाइल इस्लामा में यहाँ पे तो था जब पहले स्टूडियो में आई थी इन क्लास के जी इमेजिन करें जरा हाँ <laughs> <laughs> तो मैं अम्मा हूं <laughs> असलम विद द न्यू एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन दिस वुमन इज़ बैक मुझे कहते हैं मरियम कैवान. आज एक बहुत ही ख़ास गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मीडिया इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है आप ड्रामास में इनको अपनी अदाकारी के जौहर बिखेरते हुए देखते हैं इसके अलावा टेलीविजन होस्ट भी हैं एंकर पर्सन भी हैं अच्छा ये चीज़ें तो हैं ही ऑन स्क्रीन तो है ही बट तो इसके अलावा बिहाइंड द कैमरा पॉलिसी मेकिंग तक मतलब उस अपर मैनेजमेंट लेवल तक इन्होंने काम किया है और ना सिर्फ पाकिस्तान में चलो पाकिस्तान में तो अब हम कहते हैं देर आर फीमेल्स इन दिस फील्ड बट इमेजिन करें अफगानिस्तान वहाँ पर भी इन्होंने काम किया है जहाँ आज हम क्वेश्चन करते हैं कि फ़ीमेल्स जो काम करें हैं कैसे करे हैं ऑब्वियसली इट्स अ क्वेश्चन क्वेश्चनेबल टॉपिक बहुत सारी बातें करनी है द प्लेट इज फुल आई हैव द नजीवा अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एंड है सारे देखने वालों को थैंक यू <laughs> मरियम मुझे बुलाने के लिए और मैं एक्साइटेड हूँ कि आज बहुत सारी बातें जो मैं नहीं मैंने नहीं की बहुत अरसे से hmm. आज आपके प्रोग्राम में होंगी पॉडकास्ट में पॉडकास्ट में होंगी <laughs> और ये मेरी मेरी जिंदगी का पहला पॉडकास्ट है हाँ ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैंने जब नजीवा को अप्रोच किया हमने कहा कि चले एक गपशप का सेशन करते हैं पॉडकास्ट करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर करती। मतलब बहुत कम आपको अवार्ड फंक्शंस पे बहुत कम देखा है मैं आपको हा, हा, मैं, मैं, मैं मेरे ख्याल में जो पहले और आखिरी अवार्ड शो थे जब खैबर पे हुए थे वीटी चैनल्स के तब में मैं अवार्ड हाँ। शो मॉर्निंग शो मेरे एक दो मॉर्निंग शो पे गई होंगी कराची में जिसमें मुझे अपना प्रोजेक्ट प्रमोट करना था कि जैसे एक मेरा प्ले था वो मैं फैसल कुर्शी के, के शो में गई एक मेरा मूवी है पे सावन तो मैं करती हूं। अच्छा, मतलब वैसे भी मुझे नहीं याद पड़ता नहीं देती, नहीं, नहीं देती देती। सिर्फ काम हाँ। के रिलेटेड अगर किसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर लें तो हाँ चले इसके बात करेंगे आज नजीवा सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं फीमेल और फिर अ पश्तून फीमेल कितना डिफिकल्ट रहा इस फील्ड में आना इस फील्ड में काम करना इस फील्ड में सरवाइव करना क्योंकि लोग आ तो जाते हैं हाँ। लेकिन छोटा सा टाइम स्पैन होता है आते हैं फेम मिला उसके बाद गुम हो जाते हैं हाँ ऐसा है लेकिन आप कब से कर रही हैं अभी भी कर रही हैं और वही फैन बेस है माशाल्लाह से बल्कि और बढ़ती जा रही है ये कितना डिफिकल्ट रहा है आ, मेरे लिए तो अभी भी डिफिकल्ट है Uh, लेकिन हाँ अब काफ़ी चेंज हो गए जब मैं मीडिया में आई थी मैंने एक्चुअली एज अ चाइल्ड स्टार शुरू किया था कोर्स आए सी बात है yes. और चैलेंजेस यही होती हैं कि आप टेलीविजन में जाएंगे आप ड्रामों में काम करेंगे सो so, मेरा ये किया था कि चूँकि एज अ चाइल्ड स्टार आई थी तो पी टी वी से जब मैंने प्रोग्राम शुरू किए तब मुझे नहीं पता था फैम नाम सारा सब कुछ और अभी मैं बात में बता रही थी ना कि मैं गई थी आ, पहले मैंने बच्चों के प्रोग्राम किए थे एंड देन फिर मैं चाहे मुझे उस बच्चों के प्रोग्राम में जब मैं जाती थी तो उसमें जो होस्ट थी वो थी न्यूज़ एंकर अच्छा तो मुझे तब से था कि जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं न्यूज़ पढ़ूंगी ठीक है तो जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं गई थी आ, पी टी ऑडिशन के लिए न्यूज़ के लिए तो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर लिया था क्योंकि उस वक्त मेरी मैं टीन एज में थी और मेरी आवाज़ जो थी ना वो बड़े उम्र की लड़कियों की थी ना बच्चों की थी वो वो जो फेज हाँ, होता है हाँ तो उसमें आवाज मेरी न्यूज में रिजेक्ट कर लिया था तो मैं बहुत सैड थी मैं मैकबरू में बैठी हुई थी जाहिर सी बात है कि मैं वहां पे बचपन से जा रही थी तो सब मुझे जानते थे तो उन्होंने कहा ड्रामा चल रहा है पश्तो का उसमें एक लड़की चाहिए बीस इक्कीस साल की तो अच्छा। तुम ना उसमें काम कर लो तो उन्होंने कहा कि क्या कर तो, तो उस वक्त उनके जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट टीम में मैं मैं मिसेस भी अभी हैं नजमा बीबी जो है अच्छा, अच्छा। उनके शौर थे तो वो कहते थे, थे हाँ इसका मेकअप करके गेटअप करके हम बना देंगे अभी थोड़ी बड़ी दिखा देंगे बता दें ब, ब, कर लेंगे लेकिन अगर ये कर, मैंने कहा नहीं मैं तो न्यूज़ पढ़नी है मैं तो न्यूज ये एक ही सीन है दिलरुबा का वो कैरेक्टर था मैंने कहा पठान जहाँ जहाँ भी है वो दिलरुबा के करेक्टर से वाकिफ है उनको पता है मतलब आपकी पहचान बन चुका है ये दिलरुबा तो वो इतना पहचान बना जब मैंने वो करेक्टर किया चूँकि वो ड्रामा उस वक्त ऑनियर था तो वो पूरा ड्रामा ही मेरे ऊपर आ गया और वो हिट इस लीवा क्योंकि उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था क्योंकि पठानों में लड़कियाँ बहुत कम थी शोबीज़ में या ड्रामों में या फिर ये कह लें कि उस प्रोजेक्ट में जो एक्टर्स थे बाकी जैसे प्राइड ऑफ़ परफॉर्मेंस इस्माइल शाहिद साहब तेलमजेब मुजाहिद सईद रमान शिनो साहब उमर गोले बहुत सारे नाम थे उसमें तो उनकी वजह से मैं भी मशहूर हो, हो गई मैं इतनी मशहूर हो गई कि फिर न्यूज़ पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था नहीं। और फिर उसके बाद टू ये मैं बात क्यों टू दिसंबर की और फिर जून में जो है तो एबीटी खैबर आ गया और एबीटी खैबर को मैंने एज़ ए होस्ट जॉइन किया और मैं एज़ ए होस्ट उसके साथ काम करती रही बीच में बहुत सारे मसले थे हमारी सोसाइटी जो है स्पेशली पश्तून सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ उनके लिए बहुत मुश्किल है औरत का या लड़की का बाहर निकलना काम करना और फिर मीडिया में काम करना ठीक है वो और मैं थोड़ी सी बागी भी थी अच्छा। ठीक है लकीली मुझे ए बी चैनल जैसा प्लेटफॉर्म मिला मैंने काफ़ी जगह पे बात की कि यहाँ पे एक फैमिली जैसा माहौल मुझे मिला क्योंकि हाँ। जैसे कि आप अगर आप आग, एक टीन आता है कि जिसको अच्छे बुरे इतने ज़्यादा उसको समझ नहीं है लेकिन मुझे यहाँ पे वो आ, आ, सपोर्ट के साथ साथ वो एक फैमिली जैसा माहौल कि उन्होंने मुझे आ, क्या कह लें स्क्वाड कह लूँ बच्चों की तरह बड़ी हुई आप प्रोटेक्शन भी मिली है तो तो अवज लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बाहर घर hmm. से क्योंकि सबका प्यार डांट टपट भी होती थी अफकोर्स ठीक yeah. <laughs> है सो so, वो एक आ, आ, अच्छा था hmm. कि वो मुझे मैं उसी माहौल में आगे बढ़ी hmm. आगे काम किया But बड़ी पैम्पर्ड आप यहाँ की बेबी थी मैं कहूँगी <laughs> भी कह सकते हैं लेकिन लेकिन एज ए फीमेल मैं ये कहूँगी एज ए फीमेल में ये मैंने काफ़ी जगहों पे कहा है कि एज ए फीमेल मैं बहुत सिक्योर थी क्योंकि मेरी एज ऐसी थी आ, मुझे चीजों की समझ नहीं थी लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बाकायदा स्कॉट किया कि मैं क्या है मुझे सम्... वो मुझे बताती भी नहीं थे लेकिन मुझे पता होता था कि वो दे वो, वो एक मुझे, बाद है, हाँ। मुझे बहुत बाद में समझ आया कि ओके वो मुझे प्रोटेक्शन दे रहे थे प्रोटेक्ट कर रहे थे जैसे कुछ चीज़ों से अगर रोक भी रहे हो तो वो भी एक पर्पज की वजह से course, वो वो वो। course, हाँ, तो इसी तरह था और साथ में जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है जहाँ तक रिएक्शन की बात है तो मैं तब भी फेस कर रही थी अब भी फेस कर रही हूँ और करती आ रही हूँ लेकिन अब थोड़ा सा शायद मुझे वो अफेक्ट नहीं करते इसलिए कि वो मचोरिटी आ गई है वो आप जब आ, काम करते हैं तो फिर आप कहते नहीं मैं इतने यहाँ तक आई हूँ अगर मैं परवाह करती तो मैं शायद बहुत सारे नामों के साथ जो मेरे साथ उस वक्त आए थे मुझसे पहले आते हैं तो मैं भी गुमनाम गुमना हाँ हाँ तो प्रॉब्लम्स औरत के लिए सिर्फ पश्तून सोसाइटी में नहीं है मरियम आपको बताऊँ हर वर्किंग वूमेन को जो है तो चैलेंजेस का सामना है हालांकि बीइंग ए फीमेल मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी खातन को जानती हूँ जो घर भी पूरा संभालती हैं जो बच्चे भी संभालती हैं जो बाहर भी काम करती बिल्कुल है, ठीक है फिर भी उनको सुनने को पड़ता है कि यार तुम घर में क्यों नहीं बैठ जाती अगर कभी वो कहती ना कि मैं थक गई हूँ या आज जो है मेरी तबीयत तो हाँ तो, तो छोड़ दो तो क्यों कर रही हूँ अब फॉर आप ये कह लें कि एक मर्द अगर आठ दस साल एक फील्ड को देता है काम करता है तो अगर वो किसी दिन कहता है कि मैं थक गया हूं तो उसको ये नहीं कहता कि आप छोड़ दें लेकिन औरत से कहते हैं आप छोड़ दें करियो तो हमारे पे एहसान थोड़ी करियो अपनी मर्जी से मर्जी कर रही हो से ना? अपनी खुशी के लिए अपनी खुशी के लिए करियो हमारा क्या चाहता है या एग्जैक्टली सो ये ये चीज़ें सिर्फ पश्तून सोसाइटी uh, में नहीं है ये हर एक ओवरऑल कल्चर एक हमारे से है, okay. अच्छा नजीवा एक आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने जब शुरू किया बहुत छोटी थी चाइल्ड स्टार आपने ऐसा चाइल्ड स्टार आर्टिस्ट शुरू मैं जब पहले स्टूडियो में आई थी इन क्लास इमेजिन करें हाँ तो मैं अम्मा <laughs> कब से कितने, कब से सोचे कितने अपने ट्रांजिशन दे, फेजेस देखे होंगे ना उसके बीच exactly. में कितना कुछ इंडस्ट्री का बूम आया फिर थोड़ी का एक चैनल होता था उस वक्त स्टोरी प्रोग्राम होता था वक्त माशुमानो और उसमें मैं थी उसके बाद फिर ड्रामा आ गया फिर खैबर आ गया लकी कुछ अरसा दुसा सी बात है वो मेरा ये तो बचपन में कि मैं मरियम जब बोलती थी ना तो मैं तोतली हो जाती थी <laughs> 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 <आहां>, <laughs> तो मैं जब कहती हूँ ना कि मैं स्टूडियो में पली बड़ी हूँ तो मुझे कैमरों से ज्यादा वो प्रेशर में नहीं आती मेरी दोस्ती है बचपन से कैमरों <laughs> के साथ तो वो गलत नहीं आपका <laughs> तो दूसरा घर है मैं स्टूडियो कैमरा लाइट सही तो नजीबा कुछ लड़कियाँ आती हैं और फिर बिल्कुल मतलब यू नो थोड़े टाइम में फेज आउट कर जाती हैं कहीं गुम हो जाती है क्या क्या यहाँ पे इस इंडस्ट्री में एक्सप्लॉय किया जाता है खुतिन को जो You know, चली जाती है गुम हो जाती है उसके बारे में बात भी नहीं करती या क्या मसला है स्पेसिफिक क्या अब उर्दू मीडियम की बात करें ओवरऑल ओवरऑल हमारी जो इंडस्ट्री में जैसे जब आना होता है तो लड़कियाँ बड़ी पैशनेट होती हैं कि हम एक्ट्रेस बनना चाहते हैं स्पेशली लोगों का एक अच्छा, शौक होता है ना एक्ट्रेस अगर उर्दू पे उर्दू मीडियम पे देखा जाए तो बहुत कम ऐसी ख़ातन होंगी कि जो बाहर अगर शिफ्ट हुई हुई है कुछ हमारी एक्ट्रेसिज़ या कुछ ने शादी के, के बाद जो है तो किनारा कशी कर ली है टेलीविजन या ड्रामा से तो वो एक अलग है तो वो फिर एज़ ए होस्ट आपको कहीं नज़र आ रही होंगी हुँ। ठीक है पश्तों में है क्योंकि ए पश्तून मैं ये कहूँगी इस इंडस्ट्री का हिस्सा रही हूँ तो मुझे अभी भी मैं पश्तों में जब देखती हूँ कि काश होते ऐसे लोग क्योंकि कंपटीशन हर एक फील्ड में होना जरूरी है आपके काम के निखार के लिए बिल्कुल ठीक है तो अभी मैं जब देखती हूँ तो मुझे नज़र नहीं आती और तो मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे पशतूनों में बहुत टैलेंट है अगर वो एक राइटर के, आवा, आवा, के उसे देख लें आप अगर वो एज एन एक्टर देख लें एज ए सिंगर देख लें म्यूजिक इंडस्ट्री एक उसने नया वो हुआ कि उसमें नए सिंगर नए लड़के लड़कियाँ आई जब एविटी खैबर शुरू हुआ टू थाउजेंड फोर में ठीक है तो वीडियोज़ बनना शुरू लोगों को मिला बहुत और म्यूजिक का एक नया फ्लेवर आ गया ठीक है तो उसके बाद फिर एक दफ़ा वो एक गैप आ गया एंड देन फिर सोशल मीडिया जब से आ गया है ये, ये यूट्यूब चैनल डिजिटल मीडिया तो एक बार फिर म्यूजिक में आ गई लेकिन पशतू इंडस्ट्री अभी भी पीछे ही है आई मीन लाइक अगर मैं ये देखूँ कि अगर मैं कॉमेडी में कोई नाम लेना चाहूँ तो आप सोचें कि हमारे यही एक्टर्स हैं इसमायल शाह साहब हैं रमान शिनो साहब हैं जब मैं आई थी तो तब बहुत सारे नाम थे फीमेल्स में ऐसे कि जो अब मुझे नज़र नहीं आते सो so, क्योंकि मैं इस मेरी इस मैं उर्दू के जैसे मैंने कहा कि उसमें ये है कि बहुत कम ऐसे मिसाल में कि जिन्होंने शोबिस छोड़ दी है ठीक है अगर वो एक्टिंग छोड़ देती हैं तो वो आपको कहीं आ, आ, होस्टिंग में नज़र आएंगी कहीं आपको वो फैशन इंडस्ट्री में नज़र आएंगी पश्तों में ये है कि मैं पिछले की नहीं बात कर रही हूँ लेकिन मैं अभी की जो मैं मेरा तजर्बा है क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश रही जब मैं अफगानिस्तान गई थी मरियम तो मैं जब मैंने शो शुरू किया था तो मुझे पता था कि मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने एक ट्रेंड सेट करना है और उसके बाद मुझे जाना है क्योंकि वहाँ पर ड्रामा नहीं था नहीं था तो ड्रामा जो है तो मुझे बहुत पसंद है तो मैंने कहा कि मैं जब ट्रेंड सेट करूँगी उसके बाद जाऊँगी और बाकी जो लड़कियाँ शायद उसको फॉलो करें उसमें हुआ भी मेरा अलमर मकाम में जो शो था जो मैंने शुरू किया इतना पॉपुलर था वो फिर मैंने हैंडो ओवर किया एक, एक मेरे एक होस्ट को वहाँ पर जो सोशल एक्टिविटी जो मेरे शो में अच्छा। आई थी लेकिन उसने उससे मुझे वो स्पार्क नज़र आए उसने इंटरेस्ट था तो मैंने उसको भी गाइड किया और मैंने चैनल से भी बात की तो मैंने उसको अपनी जगह रिप्लेस करवाया वो वहाँ पर थी उसने तीन महीने वो शो किया एंड देन उसके बाद फिर एक दूसरी भी तो मैंने जिस मूवी ग्रुप में मैं काम कर रही थी थोड़े के तो उनके जो ऑनर हैं सा मोसी ने तो उनसे एक दफ़ा मेरी बात हो रही तो मैं उनको कह रही थी कि नहीं मेरी बात तो आप तो आप मुझे बताएं कि आप जैसे कि मेरे नाम पे आपने शो किए तो आपकी उस वक्त उनकी मॉर्निंग शो की होस्ट थी तो मैं उनको कहा कि उसके नाम से क्यों ब्रांडेड शो नहीं हो सकता क्यों खुवा क्यों इतने टॉप चैनल्स हैं अफ़गानिस्तान में तो उनके नाम से तो मुझे देखे थे आपको पता है जब हम लड़कियों पर इन्वेस्ट करते हैं मैंने कि इन्वेस्टमेंट यह है कि आप उसकी उसको उसके लिए प्राइम टाइम के शोज़ दे रहे हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं और जब वो थोड़े से वो फेमस हो जाए या तो वो कैरियर बनाने की जगह पर या शादी कर लेती है हम्म ठीक है और हमारा लेकिन अगर लड़के शादी भी करते हैं तो फिर काम कंटिन्यू करते हैं ये मैं पश्तो इंडस्ट्री की अफगानिस्तान इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ नहीं हमारा ओवरऑल अभी इधर भी मतलब खाली मीडिया फील्ड में ना करें बट कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी यही होता है कि अगर हाँ, सेम पोजीशन है हाँ, तो वो प्रेफर करते हैं कि किसी मेल को उस पोजिशन से मेरे शो में मुझे प्रोड्यूसर की जरूरत थी तो उसके लिए हम ऑप्शन ढूंढ रहे थे तो एक ऑप्शन मेरे पास आया तो जब वो मैंने रेफर किया एचआर को तो कह रहे हैं कि एक्चुअली हम कोशिश करते हैं कि फीमेल ना हो क्यों ना हो क्योंकि उनके लिए फिर

जो भी वो एज एन एक्टर आ रहे हैं एज एन होस्ट आ रहे हैं जो भी एक फील्ड है hmm. मैंने बहुत स्ट्रगल किया है मारियम अगर आप चूंकि एवरी चांस का हिस्सा हैं तो आप यहाँ पे जो जो भी मेरे सीनियर मैनेजमेंट में जो भी मेरे कलिग्स रह चुके हैं जो तो आप उनसे कभी पूछेंगे ना तो मैंने बहुत काम किया है लेकिन जब मैं काम करती थी तो मुझे नहीं होता कि मैं ड्यूटी कर रही हूँ मुझे मजा आता था मैं रातों को भी नहीं मैं देर देर तक काम करती थी मैं एक्टिंग भी करती थी मैं कॉमेडी भी करती थी मैं मॉर्निंग शोज भी करती थी ठीक है और मुझे मज़ा आता था ये तो हमने बहुत किस्से सुने आई होप अच्छे किसी लड़के काम कर रही होती हाँ 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 ये है तो ये एक मेरे ख्याल में एक प्रॉब्लम है तो हमारी आज की लड़कियों में कि शायद वो ज़्यादा फोकस्ड नहीं है हाँ तो मुझे लगता है कि लोगों को फेम चाहिए होता है कि बस अगर हम टीवी पे आएंगे तो हमारे हज़ारों फैंस बन जाएंगे तो उस चक्कर में एक्टिंग आती हो या ना आती हो वो एक अलग चीज़ है तो उसको एज अ करियर वो शायद लोग ज़्यादा नहीं कंटिन्यू नहीं एक्चुअली अभी मीडिया फ़र्क भी कट चुका है ना अभी ये था कि जब मैंने ड्रामों में काम शुरू किया तो तब एक चैनल पे आप ड्रामा करते थे या प्रोग्राम होस्ट करते थे वो आपकी पहचान थी कि आपके चैनल पे इतने बजे आपका ड्रामा आ रहा है सो so, अभी वो सुकड़ के सारा सेवनटीन टू फिफ्टीन सेकेंडस में आ गया टिकट ठीक हाँ। हाँ। है फिर अभी ये भी देखा जाता है कि आपके फॉलोअर्स भी देखे जा रहे हैं ठीक है अभी आपको ये बताऊँ कि पहले मजाक मजाक में एक गे टिकट एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है ठीक है अभी फेम तो आपको टिकटॉक से भी मिल सकती है ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि जितने आ, ये जो रातों रात की शोहरत होती है मुझे लगता है ये झाग की तरह होती है वो जल्दी झाग बन जाती है ऊपर बैठ भी जाती नीचे है, भी जल्दी है ये एक चीज़ है दूसरी चीज़ ये है कि वही वाली बात है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपका गोल क्या है आ, आ, आप चाहते हैं कि आप अपना करियर बनाए आप खुद खुद को पा लें अपने बलबूते पे या आप किसी कोई आपकी बेसाखी बने या कोई आपका आपका सपोर्ट बने कोई पिलर बने उसके थ्रू और उसी कोई गारंटी भी नहीं है ये एक चीज़ है और ये तो हमें हमेशा से कहा गया है बचपन पढ़ा भी है कि भी शॉर्टकट का क्या रिजल्ट होगा और कितने टाइम तक रहेगा और अगर आप एक लंबे रास्ते पे जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा तो यही है कि आपने लंबा रास्ता अपनाया कितने टाइम से करते हाँ, कर... मरीम इसमें एक और चीज़ भी मैं आप, आप, करूं। जैसे मैंने कहा ना कि मीडिया भी चेंज हुई है ना कि अभी इसी तरह एक्टिंग में भी या शोबीज में रहने के लिए भी आपको खुद को अपडेट करना होगा नहीं ये तो ना ही बात करें आजकल इतनी एक्टिंग वाली ऐसी होती जिनका पता लगता है कि इनका आगे पीछे कोई सर पैर नहीं है एक्टिंग से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं और प्राइम टाइम के ड्रामाज में एंट्री मिली होती तो ये ये क्या ये क्या साइंस है अच्छा फिर इसमें भी ये भी मैं आपको बता दूँ जैसे पहले आपने कहा कि आ जाती हैं कुछ अरसे के लिए फिर गायब हो जाती हैं हाँ।, हाँ फिर हर कोई का ऑडो तो नहीं होती हैं ठीक है फिर मुझे बताएं कि जब से हम आयजा ख़ान को देख रहे हैं हाँ? बहुत टाइम से माशाल्लाह अभी तक वो कंटिन्यू कर रही हैं तो ये मैटर करता है ये आपको फॉर द टाइम है क्योंकि ये जो शीशा है ना यार ये किसी को माफ नहीं करता hmm. ये किसी को बिना जरूरत के वो आ, क्या कहते हैं फेवर नहीं दे सकता क्योंकि कितना टाइम एक प्रोजेक्ट देख दो प्रोजेक्ट hmm. उससे ज्यादा नहीं हो होगा वेराइटी नहीं, नहीं होगी काम hmm. की लेकिन आजकल एक ये भी तो बात कही जाती है कि टैलेंट से ज्यादा देखा जाता है कि आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी है।, ये है अगर आपकी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया फॉलोइंग है तो हमें सोशल मीडिया पे तो हमारे ड्रामे को प्रमोशन मिलेगी ना माइट एज वेल कास्ट हर ये 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 इसमें भी है तो आपको इनकाउंटर करना पड़ा कभी कोई गल, ऐसा वाक्य हुआ हो कि लोग पूछें कि क्या है या आपने देखा मैं कोई अभी मौजूदा जहाँ पर हूँ जहाँ पे काम कर रही हूँ मुझे सोशल ठीक है उन्होंने मेरे शोज़ देख के देन दे डिसाइडेड कि यार ये हमारे लिए अच्छी रहेगी ना कोर्स उन्होंने मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे थे और जब हम बैठ के बात कर रहे थे तो उन्होंने या उनके मुंह से निकला उन्होंने मुझे बता दिया था oh. कि भाई आपकी फला जगह इतने फॉलोर्स हैं फला जगह इतनी फॉलोर्ड हैं ये है ये है सो so, हाँ ऐसा है, है. ऐसा है uh, वो देखते हैं इवन अगर आप कमर्शियल है तो अब वो आपको कहते हैं ओके आपके टिकटॉक पे कितने फॉलोर्स हैं इंस्टा पे कितने हैं फेसबुक पे कितने ये सारी चीज़ें हैं तो वो जो मैं अपडेट की मैं बात कर रही थी तो वो अपडेट की मैं इसलिए बात कर रही थी कि अगर आप अच्छे एक्टर भी हैं और लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं अगर आपके फॉलोअर्स नहीं देखते तो आप नहीं हैं मैं आपकी ये बात के साथ जो है तो इस बात के साथ भी एग्री करती हूँ कि आप ये कह रही हैं कि भाई अगर आ, 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 आपके फॉलोअर्स नहीं है अगर आप बहुत अच्छे एक्टर भी इसी पर तो बहुत सीन है जैसे रूबीना अशरफ साहिबा जो हैं या उनकी मैं कुछ देखती हूँ मारिया वास्ती जो जिनकी मैं बड़ी फ़ैन हूँ ये सारे जिन कुछ मैं देखती हूँ तो ये यही कह रही हैं कि यार हम हैरान रह जाते हैं कि उनको एक्टिंग आती नहीं है लेकिन उनको आप वाली बात है कि प्राइम टाइम में लेकिन मेरा ना ये है कि वो फिर थोड़े टाइम के लिए होता है hmm. वो बहुत टाइम के लिए नहीं स्टैंड करता मैंने एक प्रोजेक्ट किया उसमें एक वो सीरियल वो, 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 था आ, मेरे ख्याल में भी चल रहा है शायद तो उसमें एक लड़की को कास्ट किया उससे पहले भी उसको एक प्रोजेक्ट में किया तो आप जरा कॉमेंट्स आके यूट्यूब में और इसकी पोस्ट पे देख लेंगे सब क्यों किया इसको तो काम नहीं आता इसको तो ये नहीं आता तो अब लोग माफ़ नहीं कर रहे हैं अब भी काफ़ी मिचे और हो चुका है और मैं आपको ये भी बता दूँ कि उससे भी फर्क पड़ता है आप एक दो तीन चार पाँच प्रोजेक्ट कर लें लेकिन हाँ अगर शुरू में आप इतने पॉलिश नहीं है लेकिन अगर बाद में पॉलिश हो जाए तो ये आपकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर अपने काम को सीरियस ले रहे हो हुँ. तो फिर आपको आगे काम मिलेगा नहीं तो आप पे वही स्टॉप लग जाएगा जैसे बहुत सारे एक्टर्स पे लग चुका होते लग हैं बिल्कुल सही ओके okay, नजीबा एंटरटेनमेंट की तो हम काफ़ी बात कर ही रहे हैं लेकिन आ, मैं हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी इनका सिर्फ ये फेस नहीं है बल्कि इन्होंने बड़ा सीरियस काम भी किया एंड बाई सीरियस काम आई I मीन mean, इन्होंने एक्चुअली वॉइस ऑफ अमेरिका और बीबीसी के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं उनके साथ काम किए बड़े सीरियस इशूज़ के ऊपर डिस्कशन की है जो हम आज भी बात करते हुए भी डरते हैं नजीबा थोड़ा सा बताइएगा वो एक्सपीरियंस किस तरह से रहा या किस चीज़ ने तब प्रॉम्प्ट किया कि मैं अपनी आवाज इस लेवल तक इस टॉपिक के लिए भी उठाऊँ उठाऊँ अच्छा ये था कि एक वाक़ हुआ था 2016 में मशाल खान का अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी बिल्कुल तो मैं उस वक्त स्कॉटलैंड में थी मैं उठी मैंने देखा उसकी तस्वीरें तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुई और मैंने कहा ये क्या हुआ और दुख इस चीज़ का था कि वो एक यूनिवर्सिटी में ये वाक्य हुआ है कि जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं तालब में हैं जो एजुकेटेड तबका है मैं ये कहना चाह रही हूँ हु। और उस पर तो आ, मैंने कॉल किया अब एक दूसरे में मैंने कहा कि ये मैंने अपने ब्रदर ने लॉ को कहा कि ये क्या है ये ये सर तो तू टाइमिंग का फ़र्क हो सके देखो मेरी बात सुनो तुम ये लिख के मुझे भिजवा दो मैं पढ़ लूँगा तुम क्या कहना चाह रहे हो अब मैं वहाँ पे टाइमिंग का फ़र्क था तो मैं बैठी हुई थी तो मैंने क्या किया मैंने आ, लिखना शुरू किया तो वो लिखना ऐसा था कि जैसे मैं उनको बता रही थी कि ये हमारी सोसाइटी में देखो ये हो रहा है ये देख के मुझे इतनी मतलब मैं अफसोस है मैं तो ये कह रही हूँ कि न्यू जनरेशन तो ये जाएगी तो ये हमारी न्यू जनरेशन है, है तो ये हम तो ये कह रहे हैं कि पठानों को अभी आगे चल के शायद उनकी ज़िंदगी उनका फ्यूचर अच्छा होगा तो अगर हमारा वो स्टूडेंट जो यू, यूनिवर्सिटी में है वो इस उसका सोच का और उसका मालिक है ठीक है नजरिए का तो मैंने कहा फिर तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी चूंकि मशाल माँ बाप का एक बेटा था अल्लाह जिंदगी दे मेरा भी एक ही भाई है तो उस वजह से भी फिर जब मैंने देखा फिर मैंने ये देखा कि तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको लिख के भिजवा दी उनका दोस्त था कोई तो उन्होंने उसको कहा कि यार ये नजीबा ने लिखा उसने कहा ये मैंने वो बीबीसी में होते हैं उन्होंने कहा कि यार ये तो कॉलम की तरह हम छाप सकते हैं अगर अच्छा। उसकी परमिशन मिले मैं पे मैं पे डर गई हाँ। मैंने कहा नहीं 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 <laughs> मैंने कहा यहाँ मैंने इतने बड़े बड़े इसके लिए तो कहते हैं कि जर्नलिज्म आपने पढ़ी हो और जर्नलिस्ट हैं तो ये कह रहे नहीं बहुत अच्छा है बिलीव में आप अभी इजाज़त दें हम ये वो हो गया एंड दैन फिर मैंने एक दो दफ़ा फिर कुछ मसाइल के ऊपर जो है तो कॉलम्स लिखे कॉलम का ये होता है कि ये जब मैं बैठती हूँ लिखने के लिए तो मेरे लिए फ्री टाइम होना चाहिए hmm. जब मेरी ड्रामे की शूट ना चल रही हो बहुत ज्यादा बिजी ना हो hmm. ठीक है क्योंकि पहला कॉलम जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी हॉलीडेज भी थी मैंने लिखा था फिर जब मैं अफ़गानिस्तान गई तो वहाँ पे जब मैंने का काम कर रही थी तो वहाँ पे फिर आ, मैंने तीन चार कॉलम्स लिखे थे औरतों के काम के हवाले से भी था कि मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा था अफगान सोसाइटी के हवाले से था कि जमहूरीत के वक्त में भी औरतें तब इतनी आज़ाद नहीं थी लेकिन आई टोटली अंडरस्टैंड क्योंकि वहाँ पे 20 साल जब जमहूत वहाँ पे थी तब भी वो क्या कहते हैं वो वो सोसाइटी फुल आज़ाद नहीं थी मुकम्मल आज़ाद नहीं, नहीं थी ठीक थी। थी। है तो चूंकि मैं वहाँ पे रही हूँ तो मुझे 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 ज़्यादा पता है, है। क्योंकि मैं पाँच दिन लाइव शो करती थी और मेरे साथ डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट लोग आते थे स्टूडेंट से लेके टीचर तक डॉक्टर्स और पॉलिटिशन और सोशल एक्टिविस्ट सब तो मुझे पता था कि वहाँ इतनी आज़ादी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए थी बीस साल में एज अ सोसाइटी उन्होंने अगर ग्रो किया था तो मैं ये कह लूँ कि शायद पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशन बहुत ज़्यादा थे ठीक हो गया सिंगर्स uh, बहुत ज़्यादा थे आप ये कह लें ठीक है ड्रामा के हवाले से इतना नहीं ग्रोथ की उनकी मीडिया ने या बाकी फैशन इंडस्ट्री भी अभी थोड़ी बहुत जो है तो वो काम कर रही थी सो एज़ अ सोसाइटी अगर मैं कहूँ कि जो अफ़गानिस्तान चालीस पचास साल पहले जो हमारे बड़े कहते हैं कि हम जाते थे मूवी देखने काबुल जाते थे जैसे कि ताजिकिस्तान से लोग या रशिया से लोग आते थे शॉपिंग करने काबुल तो वो वाला काबुल 20 साल में नहीं बना था अभी उसको था लेकिन फिर भी इतनी आज़ादी थी कि लोग अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकते थे कंस्ट्रक्शन जो वहाँ पे हुई थी मरियम वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है इवन इस्लाम आबाद में भी उस लेवल की कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग्स घर और अपार्टमेंट उस लेवल के नहीं बने थे या मैं ये कहूँ कि यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द अफ़ग़ानिस्तान बहुत ज़्यादा थी हुँ. ठीक एजुकेशन उसमें और अ, 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 जो अ, अ, क्या कहते हैं उसको लड़कियाँ थे जो लड़के थे न, वो तालीम की तरफ़ उनका रुझान बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर मैं गलत नहीं कहूँगी तो जो हज़ारा कम्यूनिटी थी, थी ना उनका बहुत ज़्यादा था अच्छा मैं कोई बताऊं मैं जब कोविड हुआ ना तो मैं वहाँ पे थी तो अफग़ानिस्तान हाँ। में थी तो बहुत बोर हो गए भाई घर में बैठे हुए बाहर नहीं निकल सकते तो मैंने एक प्लान बनाया कि सिक्योरिटी का वो चेक कर लें तो मुझे बामयान जाना था अच्छा बुद्धा जहाँ पे तो मैं वहाँ पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गई तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे लगा कि मैं कहीं और आ गई हूँ क्योंकि उनके उर्तें और मैं जब उनके बाजार में गई थी तो उनके बाजार में वो बहुत छोटा सा बाजार था छोटे छोटे से ढाबे से थे रेस्टोरेंट्स नहीं थे वहाँ पे और लोगों को देख के उनके कपड़े उनको उनके लुक्स देख के लग रहा था कि ग़ुरबत ज़्यादा है लेकिन सब पढ़े लिखे थे लिटरेसी रेट वहाँ का एग्जैक्टली बामियान की मैं बात कर रही हूँ ठीक है और वहाँ पे औरतें खेतों में भी काम कर रही हैं वो आ, तालीम भी हासिल कर रही हैं वो घर का काम भी कर रही हैं और चूँकि हाँ मैं थी मैं तो वहाँ टीम में काम कर रही थी मुझे किसी ने तंग भी नहीं किया आ, मेरे साथ जो है तो मेरी बहनें भी थीं मेरी कजन्स थी वो सारी जीन्स पहन के शर्ट्स अच्छा, में थी एग्जैक्टली फिर ये है, बुद्ध हैं बुद्धि बामियाँ वहाँ बाम गए तस्वीरों और वीडियोज़ बनाने के लिए हम थे ग्राउंड में लड़के जो हैं कुछ फुटबॉल खेल रहे थे ठीक है कुछ खेल रहे थे हम वहां पे थे किसी ने हमारी तरफ देखा भी नहीं कि ये जो लड़कियां आई हुई हैं जीन्स पैंट पहन के बाल खोल के अच्छा। और ये हम की तरफ देखे या कुछ भी नहीं तो मेरे अच्छा मैं, मैं यही पर उसकी नस्बत काबुल में फिर ऐसा नहीं था स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा वहाँ पे कंजर... मुझे लगा कि कंजर्वर्ट थे थे। या कह लें कि औरतें अगर लड़की जा रही है तो गाड़ियाँ रुकेंगी उसके लिए आवाज उसके ऊपर आवाज़ देंगे उसको या छेड़ेंगे या वो चीज़ काबुल में ज्यादा था बामियान में नहीं नहीं ये नहीं मतलब अच्छा हम अपना भी थोड़ा सा अगर जब एवेलुएशन करते तो कहते ऊपर नॉर्थ में जाएं हमारे पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे भी लिटरेसी रेट हमारे से ज्यादा है खातिन भी निकल के बाहर काम रही हैं वो उस तरीके से आ, नहीं देख रहे होते आ, जितना हमें लगता है कि जो बड़े शहर वाले शहरों में जैसे कि पेशावर में आ, होगा ऐसे ठीक है अब जैसे कि मैंने फिर इसके ऊपर कॉलम लिखा तो जाए ज, 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 बहुत सारे पश्तून थे शायद उनको अच्छा भी नहीं लगा ठीक है फिर मेरा बहुत दिल था कि मैं लिखूं लेकिन जब मैं पाकिस्तान आ गई फिर मैं रेगुलरली शोज़ और ड्रामाज में बिजी हो गई तो ये जो कॉलम लिखने का था मुझे वो लिखना इसलिए अच्छा लगता है मरियम जब आप लिखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक तो मुझे ये लगता है कि मैं मेरी एक ड्यूटी है कि मैंने जो फील किया या मेरे जहन में जो है या चीज़ें जो मुझे पता है वो मैंने सबके सामने रख रखी है बिल्कुल मैंने दिल में नहीं रखी वो 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 जो ज़्यादातर औरतें करती हैं ठीक है और फिर टू uh, में आई थिंक मेरे कॉलम मैंने uh, लिखा और जब मैं वहाँ पे थी तो वो बीबीसी के लिए और वो मेरे ख्याल में वो उस हफ्ते के सबसे ज्यादा रीड करने वाले वेबसाइट पे मेरा कॉलम मुझे कैंडेड पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है ना वरना हम जर्नलिज्म की बात करें या प्रॉपर अगर आप बड़े बड़े जर्नलिस्ट से कॉलम्स मांगे तो उन्होंने वही एक फॉलो uh, करना होता है क्राइटेरिया जो सक, सिखाया जाता है जर्नलिज्म में हाँ, जब आप मास्टर्स कर रहे हो तो हाँ, आपको बड़ा कैंडेड पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा होगा और स्पेशली एक ऐसी खातून से जो वहाँ रह के आई है जो वहाँ काम करके आई है उन्हीं हाँ, लोगों के साथ मिलजुल के रह के आई है तो आपका पर्सपेक्टिव परसपेक्टिव तो मैं मैं, मैं, अभी चूँकि मेरे पास मौका है तो मैं ये कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि पश्तो इंडस्ट्री में हमारे साथ हमारे पास बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं वो एज ए होस्ट आ सकती हैं वो एज ए प्रोड्यूसर आ सकती हैं आ, लेकिन अगर वो फोकस्ड रहें प्रायोरिटी उनकी हो कि मैं कुछ बन जाऊं सो so, मेरा ये था कि जब मैं आई जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने फैमिली की तरफ से अभी तक मैंने बहुत सारी बातें सुनी आपको पता है मैं अभी मेरे ख्याल में मेरे आखिरी जब मैं कि, किसी शादी पे गई थी तो दे वॉज लाइक जी काफ्री दी मेरे बहुत अच्छे अच्छा, दोस्त हाँ। हैं मैं उनकी शादी में गई थी और टू में उनकी शादी हुई थी और मैं खाना भी नहीं खाया था मेरी फैमिली पूरी गई हुई थी मैं गई मैं उसके साथ स्टेज पर बैठी हूँ मैं आ गई क्योंकि मैं मेरा अभी दिल तंग होता है मैं लोग ज़्यादा हूँ ना तो मुझे कुछ होता है अच्छा हाँ तो मैं कभी गई नहीं हूँ ठीक है तो अब मेरे ख़्याल में मेरे सारे फैमिली और जो दोस्त हैं वो सब समझते हैं कि नजीबा नहीं है हाँ। वो नहीं जाती गैदरिंग्स में इतना क्यों क्योंकि मैंने बहुत बातें सुनी हैं हमारी मैं है। वो बैठ रहा हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को डिस्टर्ट करूँ लेकिन आप जो मेरा चेहरा देख रहे हैं इतना मुस्कुराता हुआ अगर आपको कोई नजीबा बहुत स्ट्रॉग लगती है तो मैंने बहुत कुछ सुना है मैंने बहुत कुछ फेस किया है ठीक है लेकिन वो उस वक्त तो मैं छोटी थी या वैं वैं सोचती हूं आ, मैं सोचती हूँ कि इतना पावर कहाँ से था तो वो मेरे पेरेंट्स से मेरे माँ बाप ठीक है क्योंकि अगर मेरे अबू मेरे साथ खड़े ना होते जब मेरे रिश्तेदार कहते थे बहुत अजीब सा वर्ड यू वो यूज़ करते थे कि ये टीवी पे आने वाली लड़कियाँ तो ये होती हैं तो अगर मेरे अबू उस वक्त नहीं होते तो शायद मैं इतनी सारी चीज़ें क्योंकि फैमिली के लोग जो बोलते हैं ना आपको ज़्यादा हर्ष ज़्यादा क्योंकि ये तो अपने हैं अगर आप अपनों से ऐसी तो मतलब आप अपनों से वो तो नहीं रख सकते तो, तो फिर बाहर आप एग्जैक्टली exactly. फिर कर उसके सकते बाद है? जो मेरे सिबलिंग्स हैं वो माशाला से अभी यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं कोई तो जब मैं जब मैं उनका सपोर्ट देखती हूँ जब वो फिर कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया या कभी वो मेरा ट्वीट देखते हैं या कभी कोई पोस्ट देखते हैं कभी कोई प्रोजेक्ट देखते हैं कोई सीन देखते हैं तो जो मुझे मैसेज करते हैं या ग्रुप में मैसेज करते हैं कि भाजी आपने ये कर लिया सो तो मेरे लिए ये मैटर करता है <laughs> तो ये ये चीज़ तो मैं यहाँ पर जरूर क्रेडिट देना चाहूँगी उन माँ बाप को उन सबलिंग्स को कि जो अपने बहन भाइयों को या अपनी बेटी को या अपने बच्चों को इवन अगर वो लड़का भी अगर वो सपोर्ट करते हैं उनके सपोर्ट बहुत ज़रूरी है सो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं कि ये तो बहुत

नहीं जीव आपको दुख नहीं होता जब आप सोशल मीडिया पर लोग आपको बुरा भला कुछ भी कह देते हैं मैंने कहा मुझे हंसी आती है तो मुझे कहते हैं क्यों मैंने कहा एक तो मैं उसको जानती नहीं हूँ जो ये बोल रहे हैं हाँ दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं आज देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जहाँ पर हूँ कि मैं ख़ुद को भी सपोर्ट कर रही हूँ मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा खा पी भी सकती हूँ मैं मेरा दिल कर रहा है मैं दुनिया के किसी कोने में जाके हॉलीडेज भी वो कर सकती हूँ मैं खुद कर रही हूँ मुझे कोई नहीं दे रहा आ, ठीक है तो अगर मैं इनकी तरफ देखती कि तुमने ये क्यों कहा उसने ये क्यों कहा मैं इसको क्लेरिफाई करूं कि नहीं ये ऐसा नहीं है आपने जो कहा ये गलत है तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती नहीं। शायद मैं उन एक्टर्स में उन एंकर्स में आ, उन सेलिब्रिटीज में होती के आ, जिनका आज हम कहते हैं कि काश वो भी होते वो डिजर्व हाँ। कर बड़ा नहीं अच्छा नहीं थे काम करते थे लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर और सोशल मीडिया का प्रेशर मेरे ख्याल में हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आपके सोशल मीडिया पे हेट कॉमेंट से ज़्यादा आपके

नजीब बात उसी इंसान के बारे में होती है जो हमारी पहुंच से बाहर हो बाहर है। होता है जो हमसे कुछ बेहतर कर रहा होता है जहाँ हम नहीं पहुंच सकते तो मरियम मैं तो यही कह रही हूं कि हमारी लड़कियों को इसको समझना हाँ। चाहिए उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए अगर अगर, अगर उनको लगता है कि मैं सही सिमत में जा रही हूँ किसी भी फील्ड में शो भी नहीं बात कर रही हूँ लेकिन अगर आपको पता है कि मैं सही सिमत में जा रही हूँ वही लोग जो अच्छा मैं अफगानिस्तान में तीन साल रही मैं किसी रिश्तेदार के घर में नहीं गई मैं उस पुप्पो के घर में भी नहीं गई जिसने मुझे बचपन में आई मीन उस, मैं उसके साथ छोटी बड़ी हुई थी अच्छा ठीक है ये केक ये, ये है मेरा दिल टूट जाए पे, तो, तो इसी पे थोड़ी सी और करेंगे नजीबा जो आपके अफगानिस्तान में काम करने वाला टेन्योर जब आप पॉलिसी मेकिंग लेवल पे करी थी तो उस वक्त यही मैं आप जो बात करी फैमिली का रिएक्शन जानना चाहूँगी और ओवरऑल जो सात लोग थे काम करने वाले उनका और कितनी खातन थी मैनेजमेंट लेवल पर जो काम कर रही थी मीडिया अच्छा एक तो ये कि फैमिली का ये था कि जब मैंने टू हाउन सेवनटीन में डिसीजन लिया कि मुझे इस तरफ ऑफर है और मुझे अफगानिस्तान शिफ्ट होना पड़ेगा तो मेरी फैमिली ने तो जैसे फैमिली मेरे लिए जो मैटर कर, अच्छा एक तो प्लीज़ ये एक लाइन आप एक बना लें एक फ्रेम उसमें ये बताने कि कौन आपके लिए मैटर करता है मेरे लिए मेरे मैं माँ बाप मैटर करते हैं मेरे लिए मेरे बहन भाई जो हैं वो मैटर करते हैं ठीक है और मेरे ख्याल में मेरे बहुत कम दोस्त ऐसे हैं जो मेरे दस बारह पंद्रह साल से दोस्त हैं जो वाकई दोस्त हैं तो वो तीन चार दोस्त हैं जो मेरे लिए मैटर करते हैं जो मेरे लिए फैमिली हैं उसके अलावा कोई क्या कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुझे नहीं जानते ठीक है सो so, इसी तरह जब आ, मेरी फैमिली का था मेरे माँ बाप का था मेरे बहन भाई का था तो, तो उन्होंने कहा मत जाओ क्योंकि 2017 में सबको पता है इलेक्शंस का वो हो रहा था और हालात बहुत ख़राब थे तो मैंने कहा ना ये एक मेरा ख़्वाब था कि मैं एक, एक एक चेंज ला सकूं अफग़ानी मीडिया में तो वहाँ पे जाके आएगा अदरवाइज़ नहीं होगा और ये रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं कराची में उस वक्त गई जब मेरा संग मरमर बहुत हिट हुआ था और मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही थी कराची में तो जब मैं वहाँ पे गई तो फैमिली को मैंने कहा तो कहा कि जब मैं तुम्हारी वजह से मुझे कुछ हो जाएगा क्योंकि तुम वहाँ जाओगे काम करोगी तो मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा सो तो जब मैं वहाँ पर गई तो फैमिली का तो ये था कि जाहिर से बात है उनको ये पता है कि एक दफ़ा मैं ठान लेती हूँ तो फिर मैं कर, कर लेती हूँ <laughs> तो मैंने उनको ये कहा कि मैं नहीं करूँगी उस वक्त मेरे जहन में यह था कि मेरा मेरी ये भी ख्वाहिश थी उस वक्त मेरी बहन मेडिकल में थी और मेरा भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी वो से छोटे हैं तो मैं उनसे कहती थी कि आप जब अच्छे डॉक्टर बन जाओ जब अच्छे इंजीनियर बन जाओ ना तो अपने मुल्क में जा के काम करना है तो फिर मैंने पेरेंट्स पर, को यह कहता था कि जब मैं जब मैं बड़ी हूँ जब मैं डरूंगी और मैं नहीं जाऊँगी काम नहीं करूँगी तो मुझे बताएं कि ये किसको को देख के जाके काम करेंगे कि अच्छा आपको तो अपनी ज़िंदगी बाजी बहुत अजीज है और हमारे लिए और फिर मेरा ये ईमान है कि जिंदगी ये दुनिया जो है ये उम्मीद पर कायम है तो मुझे उम्मीद ये थी कि शायद मैं जाऊंगी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी सो तो इसी एक उम्मीद के साथ मैं गई थी मैं गई थी कि शायद मैं जा रही हूँ तो काफी लड़कियां मुझे देख के आ जाए जो मैं पहली होस्ट थी जिसने दुपट्टा सर पर नहीं था मैं शलवार कमीज कुर्ता पैंट के जीन्स के साथ जिस तरह मेरा स्टाइल इस्लामा में यहाँ पे था तो मैं इसी स्टाइल के साथ जाती हूँ मैं आपको शलवार कमीज अफगानिस्तान में भी पहना जाता है ठीक है तो अफगान नगमा एक सिंगर है अफगानिस्तान की उसके मैंने जो कहते थे कि इस, इसको कहते थे दर्जी वाले कपड़े दर्जी 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 वाले कपड़े अच्छा। इस नाम से ये मशहूर थे ये कपड़े वहाँ पे अभी पंजाबी कपड़े उसको कहते अच्छा। हैं ठीक है तो जब मैं वहाँ पे गई तो आ, मेरे ख़्याल में मैं वाहिद होस्ट या सिंगर्स के अलावा वाहिद पूरे अफ़गान मीडिया पे जो मेरा स्टाइल ऐसा था अच्छा फिर मेरे मैं फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा हूँ मैं फ्रेंक भी बहुत ज़्यादा हूँ मैं तो शो पे फ्लड भी कर जाती थी कोई अच्छा सा <laughs> ल, लड़का <laughs> गेस्ट होता था तो तो उनके लिए वो चीज़ें बहुत थी फायर क्या कर तो जब मैं एज अ चैनल मैनेजर वहाँ पर थी तो मीटिंग्स जब होती थी तो उसमें ख़वात भी थी तो टेबल के ऊपर ज़्यादातर मर्द हज़रत बैठे होते थे पीछे लड़कियाँ होती थी तो मुझे याद पड़ता है मैंने कॉलम में इसका जिक्र किया था कि जब कोई बात होती है प्रोग्रामिंग के हवाले से तो मैं कहती नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे तो मैं बोलती थी ना तो औरत न, की आवाज़ सुन के ना सबकी गदने यूँ मुठ जाती थी यूँ देखते थे कि सीरियसली लाइक ये ये क्यों उनके लिए, या, या लिए चीज नहीं थी और जैसे कि मैं थोड़ी सी बेबाक हूँ तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था मिलने मन देख रहे हैं तो देखें <laughs> ठीक है लेकिन मैं अपनी बात करती थी। करते ठीक है हाँ तो मुझे देखे मुझे खुशी हुई कि जब मैं छोड़ना चाह रही थी तो फिर एक लड़की आ गई फिर उसके बाद वहाँ पे एक और चैनल था पश्तों का उसने भी वो शुरू किया फिर एक और पर्शियन चैनल था उसने भी शुरू किया मैजिस्ट चैनल पे गई तो ये था कि वो लड़कियों ने फिर काबुल यूनिवर्सिटी की कुछ मेरी फ्रेंड्स थी कुछ हाँ। वो आई मिलने तो उन्होंने कहा कि आपको पता हाँ। है काबुल यूनिवर्सिटी में लोग अब शलवार कमीज़ पहनते हैं लड़कियाँ ये ट्रेंड सेट हो गया सा इस तरह का हालाँकि ये ट्रेंड था मैंने आपको बताया कि पहले भी लोग पहनते थे लेकिन अब जाके वहाँ पर एक uh, क्या कह लें कि इतने ऐसे ऐसे लड़ाइयाँ और वो हाँ। तो वो उनका सकाफ़त या उनकी जो uh, ड्रेस या फैशन ज़्यादातर ईरान की तरफ ज़्यादा था जैसे ईरान में होता है जैसे ताजिकिस्तान का ज़्यादा अडोप्टड अच्छा। हो गया था वहाँ पे तो यानी कि शलवार कमीज़ें अब आ गई हैं बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं ठीक है तो ये उसमें तो मुझे था लोगों के लिए कि मैंने बहुत मुखालफत वहाँ पे भी फेस की अब जो मैंने मूवी ग्रुप छोड़ा था तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा हो गया था कि मुझे लगा कि बहुत मैनेजमेंट uh, के लेवल पे बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो गए थे ऐसे लोग जो उस uh, ग्रुप में शायद 10-12 सालों के साथ थे शायद उसमें मेरा एक ऐसा दोस्त भी था जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया था जिसने मुझे ज़बरदस्ती एज ए चैनल मैनेजर कहा था बट ये एक चीज़ है हमारी सोसाइटी में कि कहीं पर उनको ये थ्रेड लगता है कि यार ये बंदा शायद मेरी कुर्सी पर जाए जबकि ऐसा नहीं था मेरे उनको पता है ना कि ये मेरे से ज़्यादा बेहतर है इसकी रीच ज़्यादा जा रही है लोग इसको एक्चुअली फॉलो करना शुरू हो गए भी। और सिर्फ मतलब एक खाली फेस ही नहीं है दिमाग भी है मतलब वो तो भी हाँ। मैंने मैंने लड़कियों से पूछा मैंने कहा आप हाँ। कितने कहती थी मुझे मुझे दस साल हो गए यहाँ पे क्यों कहते हैं बारह साल हो गए तो मैं उनसे कहती थी आप मैनेजमेंट के लेवल पे जाके इस तरह हाँ। तो बोलते क्यों नहीं है अगर आपके पास एक सीट हाँ। है एक पोजिशन है आप मैंने बहुत लड़कियों को ऐसे प्रोड्यूसर देखा वहाँ पे क्यों नहीं बोलती हैं आप अपने प्रोग्राम के बारे में क्या आप ये चेंज कहती थी नहीं यार यहाँ पे ना आप बोलें तो वो पश्चो में कहती है दिन सफेद चशम है Hmm. मर्दों के सामने क्यों बोला ये मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ आपको ठीक है तो उस वक्त भी सोसाइटी में आपको कह रही हूँ कि hmm. ये एक समझते लेकिन अब बात यही है कि या तो मैं उनकी तरह सुनती उनको तो मैं भी आज कहीं दबी हुई होती होती ठीक है। और हम ढूंढ रहे होते बात सही कर रहे हो हाँ। आपको काम आता हाँ। है आप सुनो मैंने इसी ए बी में बहुत डांट मशर से खाई हाँ। है हाँ। <laughs> क्योंकि उसको मुझे पता नहीं होती लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल होता था और मैं हर एक चीज में बोलती थी, थी ना तो हाँ। वो एक था लेकिन वो डांट टपट और वो सवाल देखे स्कूल में भी कहते हैं जो बच्चा ज्यादा सवाल करता है ना वो अच्छा होता है ना खातिन तो को बोलना चाहिए लेकिन मेरे ख्याल में पठानों में मुखालिफत होती है मैं क्लियरली बताऊ मैं कई बार मैं जब अपने फेसबुक पे बहुत ऐसा हो गया लाइव नहीं जब मैं आती थी ना मारियम तो मैं कहती हूँ मुझे है आप लोगों की अच्छी नहीं लगती क्योंकि को जवाब देती हूँ क्योंकि आपके हर बात का मेरे पास जवाब होता है और ऐसा जवाब होता है कि आप लाजवाब हो जाते हैं आपको वो औरत पसंद है जिसका मुंह बंद हो जिसके ऊपर आप जूता भी मारें जिसको आप गाली भी दें जिसको आप कुछ भी कहें वो आपको आगे से बात ना कर सके बेचारी चुपी हुई वो बहुत अच्छी औरत जो है। जो सहले वो अच्छी है हाँ। चुप करके सहले, सहले। लेकिन आ, ब, मैं नहीं हूं तो शायद आप लोगों को बुरी लगती हूं तो बुरी लगू आपको लेकिन फॉलो तो तब भी आप मुझे करते हैं वो तो अच्छा नजीबा थोड़ा सा ये तो अभी आपने हमें डेमोक्रेसी वाले जब टाइम था तब की बताई अब जब रिजीम चेंज हो गया अफगानिस्तान में और चीजें मतलब इतनी अच्छी उस तरीके से नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि होंगी स्पेशली अभी, अभी उभरना शुरू हुए थे हाँ। काम करना चाह रहे थे उनका क्या बना है उनको कितना थ्रेट मिला है इस चीज से या वो, कोई वो नहीं क्या है फनकार वहां पे कोई भी नहीं है अफगानिस्तान में कोई भी नहीं है Uh, मैं जानती थी बहुत सारे जर्नलिस्ट को मैं जानती थी बहुत सारे सिंगर्स को uh, मैं बहुत सारे एक्टर्स को मैं जानती थी uh, फैशन डिजाइनर्स को मैं जानती थी जिसमें लड़कियां भी थी लड़की भी थी मॉडल्स से जिनको मैं अपने शोज पे बुलाती थी उसमें से कोई भी नहीं है hmm. ये थ्रेट की वजह से के बस मेरी उन्होंने कहा आप अगर चैनल पे आ रहे हो तो पहले उन्होंने कहा था कि आप ब्लैक अब आया करके हुँ। आएंगे हुँ। अब उन्होंने कहा नहीं आप अपना मुंह भी छुपाएंगे कवर करके न्यूज़ कास्टर हाँ। न्यूज़ कास्टर भी प्रोग्राम भी जो भी है आप ये करेंगे ठीक है तो उसमें क्या है और दूसरा ये कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे सेट हो गए कि कुछ म्यूजिशंस के उन्होंने जो म्यूजिक ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तोड़ दिए कुछ लोग वैसे वहां से आ गए तो जहाँ तक मैं रबते में, में हूँ जिन चैनल्स में मैंने काम किया जिनके होस्ट है वो कुछ अमेरिका में हैं कुछ कैनेडा में हैं कुछ यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं कुछ ब्लॉग्स बना रहे हैं अपने और ऐसे ही हैं और उसमें कुछ बहुत टॉप के कॉमेडियंस थे कुछ एक्टर ठीक है तो उनके साथ मैं शोज़ करती थी मैं हंस हंस के पागल हो जाती थी उनके साथ इतने टैलेंटेड थे वो भी चले गए ठीक है और एजुकेशन के हवाले से अगर आप देख लें तो वो भी पाबंदी लग गई है काम के हवाले से भी पाबंदी लग गई है ठीक है तो अभी जो रिजीम है अगर उनको ये करना है कि उनको एक्सेप्ट किया जाए ठीक है आप एक मुल्क पे कब्जा कर सकते हैं आप लोगों के दिलों पे नहीं कब्जा कर सकते ठीक है तो उसमें उन लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो वो सब का कंसर्न है सिर्फ़ अफगानियों का नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी जितने दुनिया वो है। वो कंसर्न है क्योंकि आपकी आधी आबादी जो है या आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो फीमेल है अगर वो ही एजुकेटेड नहीं है तो ठीक है और ये तो हमारे मजहब में भी है अगर आपको इलम हासिल करना है, तो, इस इलम हासिल करने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए और बच्चे का बच्चे की बच्चे की पहली तर्ज का जो है उसकी, उसकी माँ उसकी माँ की गोद है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं तो अगर जब तक मुल्क पे कब्जा करना मैंने बताया अलग बात है लोगों का दिल जीतना अब ये लोग आपके हैं आपके लोग हैं आप उसकी बच्ची को स्कूल जाने दें आपको पता है एक 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 नस्ल इस जंग में जैसे मैंने कहा बीस साल की जमहूरियत में भी मुकम्मल अफगानिस्तान में जो है अमन या पीस नहीं था ठीक है तो ये तो उस वजह से भी बहुत सारे वहाँ पे विडोज़ हैं बहुत यतीम है वहाँ पर ठीक हुँ. है तो उनकी कफालत कौन करेगा ये भी देखें आप तो, तो ये आप ये मेरे ख्याल में तालिबान को ये सोचना चाहिए कि ये इनके अपने लोग हैं ये खुद समझेंगे कि उनको उनके उनके मसलों को समझेंगे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दुनिया को देखे कि नेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है ख़ुद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपकी स्टूडियो पे तो कब्ज़ा कर लूँगी ठीक है ठीक है तो क्या हो जाएगा कब्ज़े से दिल जीतना होता है तो तालिबान को अपने लोगों का दिल जीतना है और वो दिल ऐसे जीतना है कि उनके अपने जो असूल हैं या जो वहाँ पे लोग हैं उनके, उनके। एटलीस्ट उनको मिल जाए ये, मैं, 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 ये ये, तो ये कह रही तो एक वाहि रास्ता है कोई किसी चीज को ना देखें ये देखें खुत वहाँ की बहुत लाइक बहुत मेहनती हैं वो एजुकेटेड एजु, तो है या अनएजुकेटेड है अनएजुकेटेड भी है तो उनके पास हाथ का हुनर है देख लें क्या वो जो है तो काम करती हैं कशीदाकारी के और वो सारी चीज़ें ठीक है मैंने ख़ुद लड़कियों को देखा कि जो जिनकी बुटीक थी जिन्होंने अपने अपने ब्रांड्स अफगानी ड्रेसेस के और के वो बनाए थे उनके आउटलेट थे ठीक है तो वही सारी चीज़ें कि अभी दो साल उनकी गवर्नमेंट को हो चुका है तो अभी उन्होंने अपने लोगों को ख़ुद से नाराज़ नहीं करना किसी कम्यूनिटी इंटरनेशनल कम्यूनिटी किसी के प्रेशर के नीचे आके नहीं ख़ुद ये डिसाइड करना है कि ये मेरे लोग हैं और इनके साथ मैंने ही टाइम गुजारा तो और अब पहली बार ये हुआ है जमहूरियत के वक्त पे नहीं ताकि पूरे अफगानिस्तान में एक ही गोरमेंट जो हा? हाँ ये तो है है ना तो अब ये जो है ना तभी अपने लोगों को अपने साथ मिलाना है उनका दिल जीतना है जिसके लिए काफ़ी अब चेंजेस करने की ज़रूरत है ठीक हो गया अच्छा यही हम बात करते जैसे हम कहे थे एजुकेशन की बात की हमने फीमेल्स की बात की कि चलो एक खातून की जो एजुकेशन है खाली उसकी हद तक नहीं बल्कि आगे आने वाली नस्लों को संवार देती है इसके ऊपर हम अगर बात करें आजकल जो हमारे ड्रामास बन रहे हैं पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में अच्छा, इस के... <laughs> अच्छा ओके ये तो आपने खुद ही कह कहती है मैं मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी <laughs> नहीं मुझे मैं, मैं, मैं जो कुछ नहीं पता <laughs> आप पूछे मुझसे <laughs> मैंने तो ये कहा क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है मुझे अभी बोलना है कि मैंने क्या जवाब देना है कॉन्टेंट के हवाले से मतलब इस तरह के इंपॉर्टेंट अच्छे इशूज वाले ड्रामास को अभी भी वो रेटिंग नहीं मिलती जो एक टूटे uh, हुए दिल वाली कहानी एक औरत जिसका दूसरा शौहर आ गया जो उसको चीट कर रहा था जो सास बहू के ड्रामाज वाली इस तरह के जो टॉपिक्स वाले ड्रामाज हैं उनको अभी भी ज़्यादा रेटिंग्स है इन कंपैरिजन टू द ड्राम जो बनते हैं सोशल इश्यूज के ऊपर या ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर ये क्यों हमें क्या अलग नहीं, करने के जरूरत नहीं नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में एक चेंज इशू पर ड्रामा बना था टू थाउजेंड में संगे मरमर जिसपे स्वरा का इशू उठाया तो था हाँ। बहुत उसको मतलब आ, लोगों ने फॉलो किया था देखा था आ, फिर संगे माँ गग के ऊपर बना था ठीक है तो उसको मुझे लगता है कल्चरल ड्रामा बनना कम है कम है फ्रीक्वेंसी बहुत कम है बहुत आप देखिए नहीं बना रहे सोलह के एक ड्रामे का रेफरेंस देना पड़ा जिसके ऊपर किसी इशू के ऊपर बात की हालांकि हमारे रोज कितने सारे टेलीविजन ड्रामे नहीं बन रहे लोग नहीं देखेंगे अगर बन जाए जैसे कि मैं आपको एक चीज मैं पिछले दिनों अपने एक ड्रामा सेट पे थी तो मैंने कहा मैंने कहा मुझे मैं मिस कर रही हूँ जब पीटीवी एक ड्रामा पीटीवी क्वेटा से बनता था तो वहाँ पे बलूचिस्तान का जो कल्चर ड्रामे इश्यूज थे उसके ऊपर काम होता था पिशावर में नामोस और इस तरह के ड्रामे बनते थे फिर पंजाब के कल्चर से रिलेटेड उनके इशू जो होते उस पर एक ड्रामा बनता था सिंध के मारवी और इस तरह के ड्रामे जो हैं वो ड्रामाज बनते थे ठीक है तो उस तरह के ड्राम बनना बंद हो गए हैं ठीक है अब आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मैं खुद भी चीज़ के वो हूँ कि अजीब से एक माहौल बन गया है कि भाभी का देवर के साथ और ये सारी चीज़ें ये शुरू हुए थे जब मैं टू में कराची में काम कर रही थी तो मैं उस चैनल का नाम ले लूँगी तो उन्होंने कहा कि इश्क ममनू एक ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हुआ था ठीक है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में वो क्या कहते तो हैं हिस्टोरिकल हाँ हिस्टोरिकल हाँ उसने जो तो उसको टीआरपी और सारी चीज़ें उसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा थी तो लोगों ने फिर पाकिस्तानी ही ड्रामा उसी तरह बनाना शुरू कर दिए और उससे पहले अगर आप सोचें तो आ, स्टार प्लस के ड्रामे चलते थे एंड फिर जो उस पर पाबंदी लग गई तो यहाँ भी शो बनना शुरू हो गई पाकिस्तान में और तो, उसी तरह के बन रहे हैं उसी तरह के बन रहे हैं। <laughs> तो वो तो मैं ये कहती हूँ लोग देखने वाले आज भी हैं हाँ। लेकिन बनाने वाले नहीं हैं जैसे कि मैं, मैंने कहा कि अभी अगर कल्चरल ड्राम बने उस पर सोशल इशूज़ को उठाया जाए वहीं नॉट लोग देखते हैं लेकिन बने तो सही Hmm. बनते नहीं है उनकी तादाद बहुत कम है जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे कि मैंने टू थाउजेंड में काम किया एंड देन 2021 में hmm. मैंने तो so देखिए कितने गैप इस तरह के ड्रामे ये बनाने ये मैंने काम किया शायद तीन साल में नहीं थे पाकिस्तान में शायद काम हुआ हो लेकिन बहुत कम हो रहा है मैं आपकी बात मतलब आप नाम लेके ड्राइंग रूम ड्रामा सास बहू का ड्रामा ये चीज़ चलेगी और सास बहू का ड्रामा जो है वो तो चूंकि हिंदुस्तान से वो है और या जो अगर आप ये कह रहे हैं इश्के ममनू वाली टॉपिक्स जो हैं तो ये टर्की से ताकि उनके ड्रामों की जो व्यवरशिप अगर ज़्यादा थी तो वो कह रहे कि अगर हम यहाँ पर कर लेंगे तो वो ज़्यादा तो लोग देखते हैं लोग देखते हैं अगर आप बना लें सोशल इशूज़ के ऊपर तो लोग यहाँ पर भी ड्रामा देखते हैं जैसे कि मुझे उसका नाम भूल गया उसका नाम मुझे अहमद भट ने जिसमें अहमद बट नाम है आई थिंक आई डो अहमद अली बट हाँ वो कॉमेडियन नहीं अहमद नाम है ना उसका भी ठीक है तो जैसे कि उसका इशू था हाँ। वो उसमें भी आ, मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त उसने इशू उठाया हाँ। था और उसमें डिफरेंट आ, सारी चीजें थी हाँ। उसमें तो लोग पसंद करते हैं मरियम लेकिन अगर हमारे प्रोडक्शन हाउसेस और हमारे चैनल्स पे फोकस करें और काम करें हाँ। लेकिन वो नहीं हो रहा क्योंकि वो वन सवाइल साल में कोई एक ड्रामा आ गया तो सालों आ गया। में हाँ ये सालों, में। सालों में सालों में सालों में एक आगर, आगर। अच्छा नजीबा थोड़ा सा मुझे बताया अभी एक कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूँगी लेकिन एक डिबेट चली थी पिछले कुछ टाइम में इफत उमर ने भी जहाँ इस uh, चीज़ का जिक्र किया कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में भी जो मर्द एक्टर्स हैं उनको पेमेंट्स ज़्यादा मिलती हैं नस्बता खवीन एक्टर्स के मतलब एक ये बॉलीवुड का ट्रेंड तो था ही कि जो वहाँ पे मेन हीरोज़ हैं सलमान खान शाहरुख खान इनकी पेमेंट जितने जिनके नाम, में में जिन नाम पे चलते हैं तो इनको पेमेंट ज़्यादा मिलती है और उसी फिल्म के अंदर जो हीरोइन है उतना ही काम है उतनी मेहनत उतने दिन शूट्स के उसने भी देनी है लेकिन उसकी पेमेंट कम होगी तो हमारी इंडस्ट्री के क्या डायनेमिक्स हैं यहाँ पर भी कोई पेमेंट गैप है या इट्स uh, मतलब मिल रहे है, हमें भी अच्छे नहीं पेमेंट तो अच्छी हो रही है लेकिन डिपेंड करता है स्टोरी के ऊपर अगर परिजाद है तो उसमें लीड कौन था अहमद था उसका कैरेक्टर था हाँ। उसके साथ चार पांच छह लड़कियां आई गई तो जाहिर सी बात है उसका काम होगा तो उसको होगा स्टोरी पे भी डिपेंड करता है।, है लेकिन अगर एक स्टोरी है कि जैसे वो सीएम की स्टोरी है जैसे कि वो किसी खातून के ऊपर है कोई, कोई स्टोरी पूरी बायोपे किसी अगर खातून ये हम तो देखते हैं कि अगर स्टोरी ये नहीं है कि अगर ये तो हो ही नहीं सकता कि अहमद के जितना उसका काम है जितना उसका करेक्टर है उस किसी ज़्यादा पैसे किसी और को कैसे मिल सकते हैं जाहिर सी बात है आपको डेट्स देने होते हैं आपको काम करना आपको पर प्रोजेक्ट पैसे मिलते हैं ठीक है तो आ, करेक्टर के ऊपर है प्रोजेक्ट के ऊपर है अगर प्रोजेक्ट है कि उसमें वो हीरो के नाम से जाएगा आई मीन उस की अगर वो लड़की का है तो वो उस हिसाब से जाएगा जैसे कि संगे यह तो ये तो क्लियर है कि वो आतिफ असलम की वजह से चला गया <laughs> हा? हा? तो आतिफ असलम को तो ज्यादा पैसा इसलिए मिलना था क्योंकि उसका काम बहुत ज्यादा था और अगर मैंने बीस दिन काम किया और उसने चार महीने काम किया तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं ठीक है तो मतलब हमारी इंडस्ट्री में इतना पेमेंट गैप है, नहीं है गैप है ये okay. नहीं कि नहीं है लेकिन ये चीजें भी हैं ठीक है ये चीजें भी हैं तो फीमेल मेन लीड होती, भी उत, उसको तो उसको क्या उतने ही पेमेंट बिल्कुल मिलती मिलती है अब भी मिलती है बहुत फीमेल आर्टिस्ट है उनको मिलती है ये नहीं है लेकिन ये आपको एक चीज बताऊं कि अभी मेरी जो पर्सनलिटी है मैं आपको चीज़ बताऊँ आप अगले बंदे अभी जो इफ़त साहिबा हैं हमारी सीनियर हैं बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं है, हमारी आपको चीज़ बताऊँ लेकिन अभी दौर चेंज हो गया है अब खुद को अपडेट नहीं करेंगे आप छोटी छोटी चीज़ को दिल पे नहीं लेंगे सी कोई जूनियर आ गया सलाम किया बात की वेल एंड गुड नहीं किया खूब कोई, कोई, कोई बात कोई बात नहीं है बस ठीक है ठीक है लेकिन दिल पे लेंगे स्ट्रेस्ड होगा आपको ठीक है और दूसरा ये कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारे उसमें के अभी Uh, मैं ये समझती हूँ कि बहुत सी एक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ठीक है मेरा कभी कवि साहब के साथ, साथ आखिरी प्रोजेक्ट हमारा ही था मेरी शहजादे जब हमने काम किया क्या वो इंसान है ठीक है लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई एम श्योर कि उससे ज़्यादा पैसे शायद जो बाकी एक्टर जो नए आएंगे उन लेकिन वो स्टोरी के हिसाब से चल रहा होता है वो डेट्स के हिसाब से वो टाइम के हिसाब से चल रहा है कि आपने कितना टाइम दिया है वो है अब परी झात में नुमाने एजाज़ साहब भी थे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अहमद से उसके पैसे कम होंगे क्योंकि नुमान नुमानेजाज साहब का जो करेक्टर था जो टाइम था उनसे कम था hmm. नहीं ये तो आपने हमारे एक पर्सपेक्टिव खोल दिया क्योंकि हम तो यही होते हैं ना जो बात हाँ. सुनी कि नहीं मिल रहा इतनी मेहनत भी कर रहे हैं बट वो पेमेंट भी नहीं है तो ये देर आर थिंग्स लाइक दिस देर फैक्टर्स जो एक्चुअली करने कहां होते हैं। मैंने टू थाउजेंड एलेवन में पश्तो मीडियम छोड़ा hmm. फिर मैंने कैसे सरवाइव किया अगर पैसे नहीं थे तो ये भी सोचने वाली बात है ठीक <laughs> है मुझे बताएं कि अगर इसमें पैसे नहीं होते तो इंडस्ट्री तो सारी कराची में आपकी कराची के कितने एक्टर्स हैं इस वक्त कराची में काम कर रहे हैं ये भी है ठीक है नहीं नहीं जी जीबा फिर कुछ लोगों ने बहाना भी तो बनाना होता है ना मैं काफी यही तो चीज़ों फिर... को कहने के लिए के। मैं 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 ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं एक ही नजीबा हूँ अगर मैं नहीं होंगी तो इंडस्ट्री की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि बहुत सारे माशाल्लाह लोग हैं ठीक है मैं ये भी कहती हूँ कि पश्तो मीडियम पे भी मैं ये नहीं कहती कि मैं हूँ नहीं होंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन हाँ इतना फ़र्क पड़ता है कि हम कहते हैं कि अभी हमारे पास फिदोज जमाल साहब जैसे एक्टर हों और तलत साहब जैसे एक्टर हों जैसे अंसारी हैं जैसे जा। मरीना ख़ान हैं जी शहनाज़ शेख हैं जी और ऐसे बहुत सारे नाम जो हैं तो वो नाम नहीं है या उस लेवल के शायद अच्छे एक्टर हमारे पास ना हो लेकिन है तो इसी तरह अगर हम ये देख रहे हैं कि दिलीप कुमार तो नहीं है लेकिन आमिर खान तो है ठीक है तो, तो ये हर दौर के अपने होते हैं हाँ तो हाँ। सारे बहुत सारे मार्क भी नहीं हो सकते हाँ। लेकिन कुछ तो है जो इंडस्ट्री चल रही है और कल को जब ये जनरेशन चेंज होगी अगली आएगी तो वो इन्हीं को कह रहे होंगे कि ओ देखो तब आमिर खान थे तब ये लोग थे हमारे पास वो भी हाँ ये चीज़ें हाँ तो बस मैं ये कहती हूँ कि आखिर मैं यही कहूँगी कि जो भी मैं मैं मैं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जितनी भी लड़कियाँ हैं मैं चाहती हूँ कि वो इंडस्ट्री में आए स्पेशली पशतो इंडस्ट्री में मैं चाहती हूँ कि वो आए लेकिन फोकस्ड रहें और आप खुद को एक ब्रांड एक जगह पर पहुंचाए आप यकीन करें लोग आपके पीछे आएंगे आप किसी के की पीछे की जाने की जरूरत ही नहीं है और मेहनत करेंगे सिला आपको ज़रूर मिलेगा देर से मिलेगा वो देर से इसलिए मिलता है कुछ चीज़ें आपने नहीं सीखी होती हाँ। वो ऊपर वाला आपको सिखाना चाहता है आपकी गलतियों से मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है लेकिन गलतियों से सीख के आगे बढ़ी है ना वही, वही।, वही। और मैंने गिव अप नहीं गिव अप नहीं किया नहीं किया अच्छा नजीब थोड़ा सा बिल्कुल एन की तरफ जा रहे हैं एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी आजकल के कल्चर की अगर बात करें जो आजकल के नए एक्टर्स हैं उनके एटीट्यूड में कोई फ़र्क है पुरानों से या किस तरह पे होते हैं सेट पे अभी अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो उसमें मैं हूँ और बिलाल कुरैशी हैं उसमें फ़ाइक हैं माशाल्लाह बहुत सारे एक्टर हैं अच्छा मेरा अब भी वही है जब मुझे प्रोजेक्ट में लिया जाता है मैं पूरा स्क्रिप्ट लेती हूँ अच्छा पूरा स्क्रिप्ट अभी अब पचास एपिसोड अभी तो मैं कर रही हूँ चूँकि वो एटी प्लस एपिसोड्स हैं तो मैंने पूरा एपिसोड पढ़ा हुआ है मुझे पता है मेरा करेक्टर कहाँ जा रहा है मैंने उसके ऊपर अपना होमवर्क किया हुआ है मैं अपनी सीन्स अलग किए है। हुए हैं तो ये है काफ़ी एक्टर्स जो मेरे साथ सेट पे हैं उनको सीन्स का नहीं पता उनको स्टोरी का नहीं पता हाँ क्या करना है अच्छा इसक्रिप्ट तस्वीर ले लें अच्छा ये हाँ ये क्या किया तुमने अच्छा ओ खाना नहीं खाना अच्छा खाना ओके क्यों तो उनको बैकग्राउंड कहीं नहीं पता कि सीन क्या चल रहा है तो ये एक चीज है ये एक चीज़ है कि वो सारी चीजें इतनी फास्ट हो रही हैं टिकटॉक की तरह कि उन्होंने ड्रामा भी ऐसा किया हुआ है लेकिन यहाँ पे अगर मैं जिक्र नहीं करूंगी तो ये बहुत ज्यादा होगी आतिफ असलम की जब संगे मामे हम थे तो सबको पता है आतिफ असलम जो है वो तो ऐसे सिंगर हैं कि सबको उनकी आवाज़ से प्यार है ठीक है तो मेरा उनके साथ सीरियल में इतना काम नहीं था लेकिन हम रुके भी एक जगह पे थे और ये पूरा मानसेरा में शूट हुआ है तो एक सीन था जिसमें मेरे अंकल की चिता जलती है क्योंकि हम सिक कम्युनिटी से दिखाया हुआ है तो वो वहाँ पे आते हैं तो वो सीक्वल बहुत लंबा था तो वो दो दिन में शूट हुआ अच्छा अब जब वो आए वहाँ पर तो हमने क्यों देना होता है एक दूसरे को ठीक है तो सिंगल कैमरा शूट है मुझे मेरे भी 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 थी मेरे मेरे लिए लिए वो 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 खड़े खड़े रहे रहे ये आए गए फिर साथ जो तो के उन्हें क्यूज़ लेकिन उसका शॉर्ट कल होना था अच्छा लेकिन लेकिन लाइट चली गई ना लाइट चली गई तो उनका वो कल भी आए और वो ना उनके माथे भी कोई शिकन ना कोई अच्छा उस ड्रामे में अगर आप हैं तो वो हम लॉन में बैठते थे शाम को सारे एक्टर्स हम गपशप लगाते थे कि ऊपर अपने रूम के सामने स्क्रिप्ट लेके याद कर रहे होते थे रात को hmm. रिकॉर्डिंग के हम चिल कर रहे हैं वो याद कर रहे होते थे और सेम जब वो सेट पे भी आ, उस दो दिन जब मैंने ऑब्जर्व किया कि वो आते थे और वो अपने लाइंस अपनी लाइंस याद रखते थे hmm. तो मेरी बात बातचीत एमवी तो ना आतिफ असलम है वो इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए अगर आप वो सुख

नहीं कोई हाँ, कोई उसके टेंट्रम्स नहीं है हाँ, कोई नहीं वो ये मतलब मैंने मैंने कहा यार ये होते हैं लोग हाँ, तो देखिए इसीलिए लोगों ने नवाजा भी है मुझे, भी है मुझे भी वो याद पड़ता है एक इवेंट था और वो मैंने सिर्फ इसलिए हाँ किया था क्योंकि मुझे पता था कि आतिफ असलम इज गोइंग टू यू नो कम इन उन्होंने उसका कॉन्सर्ट था तो उन्होंने प्ले करना था मैंने कहा वो तो मतलब और मैं किसी भी चीज पे बहाने कर लूँगी बट उस पर बहाना नहीं करूँगी एंड आई एम सो ग्लैड कि वो एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि मैंने बहुत कम सिंगर्स का वो और देखा है मतलब प्रोफेशनलिज्म पूरी हद हाँ तक मतलब पूरी टाइम हाँ से और जब टाइम खत्म हो गया और एक्स्ट्रा ऑफर तभी उन्होंने कहा कि नहीं टाइम जो हमारा वो था वो ख़त्म हो गया थैंक यू तो प्रोफेशनलिज्मस बट जो उनकी नेचर और जैसे वो सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट कर रहे थे आई थिंक ऑफ टू बस हैथ वही वाली बात है ना कि अगर आप अच्छा मैंने इंडियन से एक चीज़ सीखी थी जब मैं हु टू मिलेनर शो कर रही थी अफगानिस्तान में टू टू थाउजेंड फोटीन तक तो वो बहुत कदर करते हैं बहुत इज्जत देते हैं उस जगह को उस जहाँ वो काम, काम कर रहे, रहे होते हैं तो मैंने भी ये चीज़ सीखी है जहाँ आप काम कर रहे हैं छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर आप उसकी इज्जत करें आपकी आपकी इज़्ज़त में कभी कमी नहीं कमी नहीं आएगी बिल्कुल सही न जीवन लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी फिर हम रैप अप करेंगे अपने पॉडकास्ट को इसके बाद गपशप हम ऑफ कैमरा जारी रखेंगे फिल्म का अगर कुछ आगे ऑफ़र मिले फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ड्रामा इंडस्ट्री से जंप करके जाएंगी अगर अच्छा स्क्रिप्ट और ऑफ़र हो अच्छा मैंने फ़िल्में की हैं जैसे कि मैंने टू थाउजेंड में खुद खुदा के लिए मूवी की थी उसमें जैसे कि मैंने सावन मूवी जिसमें मैंने जिक्र किया मैंने वो किया मैं एक्चुअली कमर्शियल मूवी नहीं कर सकती हूँ Okay. आ, वो मैंने अपने लिए मुझे किसी ने रोका नहीं मैंने अपने लिए क्योंकि जैसे कि मुझे लगता है मॉडलिंग में नहीं कर सकती हुँ. मुझे लगता है ऐसे जैसे कि मैं गाना नहीं गा सकती इसी तरह मैं मूवी नहीं करना चाहती उसकी वजह यह है कि आ, आ, मरियम पश्तो इंडस्ट्री में बहुत सारे मैंने लास्ट ट्वेंटी ईय में तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि जो नेशनल लेवल पे जिसने काम किया हो या जिसकी कोई थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग हो पाँच दस लोग उसको फॉलो कर रहे हो तो जब मैं उस लेवल पे पहुंची तो मैं अफगानिस्तान क्यों गई थी मैं मैं चाह रही थी कि मैं चेंज लेके कर आऊँ लेकिन अगर मैं कमर्शल मूवीज़ में काम करूँगी तो मैं अपने लोगों से दूर हो जाऊँगी जो मैं नहीं चाहती ठीक है अभी हमने क्या कि कुछ लोग पसंद भी करते हैं तो कुछ लोग नापसंद भी करते हैं लेकिन जो पसंद करते हैं उनकी तादाद भी है ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि अभी अगर मेरी बात कोई सुन रहा है ठीक है थीके? तो अगर मैं कमर्शियल मूवी की तो शायद वो किसिंग सीन चाहे वो जो मेरा डांस करना कपड़ों हाँ। शॉर्ट कपड़े या इस तरह की चीज़ें पहनना तो शायद वो मेरे पश्तून या अफगान कल्चर में अभी वो लोग इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकें और मैं दूर हो जाऊंगी सो so, मैं मीडिया में रह के भी चाहती हूं कि मुझे मौका मिले टाइम टू टाइम आके जैसे मैंने आ, आज आपके साथ बात की उनकी इश्यूज के बारे में बात की मैं कहीं इंटरनेशनल फॉर्म उस पर प्लेटफॉर्म्स पे जा सकती हूं जहां पे मैं बात कर सकती हूं तो उसको मैं खोना नहीं चाहती तो इसी मैं कमर्शल मूवी नहीं, कर, नहीं करना नहीं। चाहती लेकिन

नजीबा फैज वहाँ मौजूद रही हैं और अपने आ, जो अभी आपका टेलीविजन शो भी चलता है जो आप शो करिए उसमें भी गाहे बगाहे ये इसको टच करती रहती है थैंक यू सो थैंक, so, थैंक यू सो मच अच्छा so थैंक, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग आर पीपल नहीं थैंक यू मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए और ये कि बहुत सालों से बहुत सारी बातें थी जो आज आपके आ, दिल की भरास निकाल ली। निकाल ली मैंने चीज़ें रख ली और ऑफ कोर्स ये बात की लोग शायद ये समझते हैं जैसे कि हमें बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग है, है। के मज़े में भैया यार नए नए कपड़े पहनते हैं डिजाइन के मेकअप करके आप बैठ जाते तो, हैं रोजाना मेकअप होता है आप तो उनको भी थोड़ा ये है कि नहीं मुझे लगता है कि अभी वो दौर नहीं है अब चाहे आप एक्टर हैं या एंकर हैं नॉलेज uh, बहुत ज़रूरी है पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी, जरूरी है चाहे आप कॉलम्स uh, पढ़ लें न्यूज़पेपर पढ़ लें लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है बाखबर रहना बहुत जरूरी है थैंक यू सो मच इनशा विल सी यू नेक्स्ट वीक तक तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह